आज कुछ क्रेजी करने की कोशिश कर रहे हैं यार। क्रेजी आप लोगों को करना पड़ेगा, मैं तो क्या करूं। एक जोक, एक नहीं तीन जोक आपको मुझे सुनाने हैं, और उन तीन में से मतलब आपका वो रहेगा कि तीन आपके पास चांसेस रहेंगे, अगर मैं एक में भी हंस दिया तो आप जीत जाओगे 200 रुपए। आपका ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को हंसाना, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को हंसना नहीं है, ठीक है। अगर मेरे दांत दिख गए, आपने जोक सुना मेरे दांत दिख गए, आई लूज। चलो भाई देखो अपने क्या। तो अमरेंद्र बाहुबली, सही में अमरेंद्र नाम है क्या आपका? हाँ हाँ अमरेंद्र नाम। करो स्टार्ट करो। हाँ। Let the show begin. चलो सर। What is common in Thailand and Indian hospital? Thailand and Indian hospital. दोनों gender reveal नहीं करते। Nice try भाई, nice try यार। Better luck next time. Yo bro, what's up? कैसे हो? नोपी आपका नाम क्या है वैसे? हमदली। हाँ अच्छा आप हमदली आप हो क्या? Yeah. अरे वाह। वीडियो कर रही हूँ। हाँ अरे भाई एकदम सब चंगा सी। अंकल आदमी रहता है तो वो रिलीजियस रहता है तो अपना एक नया घर बनाता है, ठीक है। तो के पास जाता है, पूछता है कि अपने घर का नाम क्या रखें। तो मौलवी दाएं बाएं देखता है और कहता है कि अपने नेबर के घर जाओ, उसकी खिड़की से देखना, जो भी पहली चीज तुमको दिखेगी उसी नाम से अपने घर का नाम रखना। वो नेबर के भाई रुको, नेबर के घर गया, फिर क्या हुआ? आप अटक गए थे। विंडो से देखता है। हाँ। तो उसका नेबर सेक्स करता रहता है तो उसकी पिछवाड़ा दिख जाता है। नाम क्या रखता है? एस। अच्छा ठीक है फिर। एस बस यही जो कितना ही था गाड़ा रख दिया। नहीं अच्छा आगे भी है। हाँ। तो बाद उसकी लड़की होती है तो उसका नाम रखने के लिए दोबारा के पास जाता है, उससे पूछता है तो कहता है कि अपने गली में जब तुम जाओगे तो तुम्हारे पैर के नीचे जो पहली चीज आएगी उसका नाम, तो अपनी बेटी का नाम उस नाम से रखना। तो वो चलता है तो उसके पैर में टट्टी लग जाती है, तो अपनी लड़की का नाम उसने टट्टी रख दिया। आफ्टर सेवन ईयर्स एक साल बाद उसके घर में आग लग जाती है। तो वो फायर फाइटर को कॉल करके कहता है मेरे पिछवाड़े में आग लग चुकी है, मेरी टट्टी फंसी हुई है। गुड वन नहीं अच्छा सही था भाई, एटलीस्ट वो तो नहीं था क्या कहते हैं कुछ रिलीजियस के बिना सही जोक मार दिया यार भाई ने। तालियां हो जाए यार चैट में, तालियां हो जाए भाई के लिए। पहला डब्लू जोक मिला यार अपने को। आपने गार्लिक जोक सुना है आपने? नहीं। लेसुन क्या होता है भाई? तो बोल रहे जबरदस्ती बोल रहा हूँ तुम्हें ये जोक सुना भाई। ये तो गार्लिक जोक था ना, यही तो गार्लिक जोक था। ए यार अच्छा लेसुन, अरे वाह भाई कोई नहीं चलो ठीक है, बाय बाय भैया बाय। आयुष को, अरे आयुष को लेते हैं। अरे आप तो अभिष भाई के छोटे भाई लग रहे हो यार। थोड़े हो सकता है, मेरे को क्या पता। In certain light, you know. Oh yeah. कहाँ से हो आप? कहाँ से हो? मैं ऐसे तो बिहार से, बट अभी कोटा। आप बिहार से भी हो भाई? गड़बड़ लग रही है मुझे। तो एक आदमी होता है, उसका एक एक बेटा एक बेटी होती है, ठीक है, और बीवी तो होती है। हाँ तो वो पूछता है कि वास्तविकता और संभावना में क्या फर्क है। वो बच्चा अपने बाप से पूछता है तो उसके पापा बोलते हैं जा अपनी मम्मी से पूछ क्या कि 2 करोड़ रुपए के लिए सलमान के साथ सोएगी। उसकी मम्मी हाँ बोल देती है, दो करोड़ वोट बोलती है कि जरूर वो 2 करोड़ हमारे बहुत कमा सकता है। फिर उसके पापा बोलते हैं कि अपनी बहन से पूछ क्या 2 करोड़ रुपए के साथ 2 करोड़ रुपए के लिए ऋतिक के साथ सोएगी। तो वो बोलती है हाँ ऋतिक मेरा फेवरेट है, मैं सो जाऊंगी उसके साथ। आप इतने खुश कैसे लग रहे हो? हाँ। अरे ऐसे क्यों, मैं खुश नहीं हो सकता? नहीं मुझे लगा आप बहन आप ही हो। फिर क्या हुआ? फिर उसके पापा बोलते हैं कि क्या तू 2 करोड़ रुपए के लिए जानवर के साथ सोएगा। तो वो बोलता है हाँ क्यों, 2 करोड़ बहुत ज्यादा होते हैं। तो उसके पापा बोलते हैं देखो बेटा अगर संभावना देखे तो हमारे घर में 6 करोड़ रुपए हैं, लेकिन अगर वास्तविकता देखे तो अपने घर में 2 करोड़ रुपए। ओके वेरी ऑफेंसिव, और औरत समाज को ये पसंद नहीं आएगा भाई, आप ऐसा कैसे कह सकते हो यार। औरतें हैं आपके ऑडियंस में? हाँ है ना, जोक सुना रही है अभी। Damn!
मजाक कर रहा हूँ, बुरा मत मानना यार, बुरा मत मानना। नहीं नहीं बुरा नहीं मानता। अच्छा अच्छा ठीक ठीक जोक था, अच्छा जोक था, डब्लू जोक, डब्लू जोक था, बस मैंने अपनी हंसी कंट्रोल कर ली। वो तो मैंने भी देखा। ये क्या बात होती है बाद में होते ना। मैं चैट देख कर रहा हूँ, चैट में लोग कह रहे हैं। हाँ चलो बेस्ट ओरिजिनल जोक सुना दूँ, ये सब क्या पढ़ के सुना रहा हूँ। हाँ तो अगर मेरी काम वाली दीदी पार्टी करती है, उसे क्या बोलेंगे? दीदी पार्टी। अच्छे जोक पे मैं कंट्रोल कर ले रहा हूँ और गंदे जोक पे हंसते रहा हूँ। दीदी ये मेरी आज का काम वाली दीदी चिल्ला रही थी फालतू में, मैंने तब सोच लिया। भाई मैं कैमरा शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहता हूँ, आपका वीडियो में बहुत साल से देख रहा हूँ, 3-4 साल से। तो आई वांट टू भाई, ये भाई माइनक्राफ्ट नहीं खेल रहा मैं भाई, माइनक्राफ्ट मैं कोई घर नहीं बना रहा, कोई कैसल नहीं है यहाँ पे दोस्त। क्या क्या एज है आपकी? 14 भाई यार एक्चुअली। और तुम स्ट्रीम देख रहे हो तब से, अरे वो पता नहीं बंदा क्या जोक सुना के गया था अभी, वो सुना तुमने ये तो? और तुमको एक इसको कमरा, तुमको कमरा दे रखा है अलग से घर वालों ने? कहाँ से हो आप, क्या नाम क्या? घर से निकाल दिया मैंने। निकाल, इतनी जल्दी निकाल दिया? अब मैं यह एक्सपेक्ट तो कर रहा था मैं आपसे, पर मेरे को लगा था थोड़ा बाद में करोगे। मारी प्रॉपर्टी चाहिए थी मुझे। प्रॉपर्टी क्या करोगे प्रॉपर्टी का? प्यूबर्टी तो आई नहीं तुम्हें अभी तक, प्यूबर्टी नहीं चाहिए? ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुझे, बच्चे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए यार। तो अच्छा तो क्या नाम है आपका? स्पर्श। स्पर्श, इतना अच्छा नाम है और इतनी घटिया बातें करते हो, तो स्पर्श कहाँ से हो आप? पता नहीं, दिल्ली में रहता हूँ बचपन से। अच्छा लेकिन घर से निकले नहीं कभी? नहीं, आपकी तरह। मैं सही बात है, सही बात है, वापस रोस्ट कर देगा बच्चे से मुझे। कुछ नहीं सुनना। तो स्पर्श आपके पास जोक है? हाँ सुनाओ आप जोक सुनाओ आप। आपको एक गार्डन खोल लेना चाहिए क्योंकि आपको ऑडियंस उगाने की जरूरत है। अबे भाई रोस्ट कर दिया बच्चे ने यार, मैं कुछ कह भी नहीं सकते ज्यादा यार। ये खासे कह दो क्या ही कहोगे, क्या ही कहूंगा भाई। देखो देखो भाई, किसके फैन हो आप, कौन सा एक्टर आपको पसंद है? कोई पसंद नहीं। स्कूप कास्ट पे कोई पसंद है? अजीज भाई। अजीज भाई हाँ, अजीज भाई वो प्रभास को ही पसंद करता हूँ। तो फिर तुम अजीज भाई क्यों पसंद है भाई, थोड़ा तुम्हें मेरी टीम में होना चाहिए यार। तुम्हारी उम्र से तो काफी ज्यादा सब्सक्राइबर वैसे। तो कोई बात नहीं, चलो और कोई जोक है। एक तो जीत गए आप विनर हो ऑलरेडी, 200 रुपए मिलेंगे आप। आपने बर्ज़क पढ़ी है ना? सेकंड भाई तुमने बर्ज़क कैसे पढ़ ली है बताओ, वेबसाइट से? और कितने टाइम पहले पढ़ी थी? 1-1.5 साल। 1-1.5 साल भाई, 12 साल का था जब पढ़ी थी इसने बर्ज़क। तो सहन कैसे कर ली यार? सही में बाबा वीडियो सहन कर लेता हूँ, बर्ज़क क्या कर लूं। सही यार, आपके माँ बाप को तो आपने निकाल ही दिया, ठीक है अब मैं आपको निकाल रहा हूँ डिस्कॉर्ड से। नहीं यार, पर आप अपना UPI दे देना कहते मॉडरेटर को इसमें, वॉइस चैट में। आप जीत चुके हो भाई, आप पहले में जीत गए। थोड़ा यार पढ़ाई लिखाई पे भी दे, क्या अडल्ट चीजें पढ़ते रहते हैं। पढ़ाई पे ध्यान देते। कितने मार्क्स आए थे 8th में? 98% में ओलंपियाड में, मैथ्स में स्टेट लेवल 3rd हूं। अभी मेरे पास ट्रॉफीज है दिखाने के लिए, लेकिन अबैकस की है। अभी मैथ्स ही कर रहा था मैं सही में। आरडी शर्मा पता है कौन है? आरडी शर्मा, आरडी शर्मा वाली बुक हां मैंने लिखी है वो। फिजिक्स की अभी एचसी वर्मा सॉल्व कर रहा था मैं। ये तो ब्लैक पैंथर की बुक लग रही है मुझे, झूठ बोल रहा है भाई। अरे देख रहा हूं 11th की है भाई साहब। W kid यार भाई, नहीं अगर अगर आप सब सही कर रहे हो ना, आपके मार्क्स अच्छे आ रहे थे यार, आप तो जीत गए लाइफ में। बस आपको माँ बाप को नहीं निकालना चाहिए था घर से। सही में निकाल दिया क्या? नहीं नहीं है वो है, उनको बुलाना एक बार, मैं उनको बताता हूँ, उनको बर्ज़क खोल के दिखाता हूँ बर्ज़क एक बार। नहीं नहीं, और मैं वन पीस भी पढ़ता हूँ, तो W kid तो हूँ। 14 के हो तो आप समझ गया था, वन पीस तो पढ़ते होगे।
चलो चलो भाई, थैंक यू. आपसे फिर भाई, इसको तो इसके साथ अपन फिर से कभी करेंगे क्या ना, मेरा रोस्ट करने बुला लेंगे भाई को कभी. आप लिख के रखना बढ़िया मेरे रोस्ट, ठीक है? कच्चा सुकरा आपका पीछे. एक ऐसा कोई भी नाम दो ना थाईरी में जो फिट हो जाएगा. मतलब आप उसको ढंग से रोस्ट कर दोगे क्या? बिल्कुल हाँ. अजीज भाई यार क्या बोल रहे हो यार. जमशेद जमशेद डाल दो. जमशेद कुत्ते को पसंद है कुतिया, बच्चों को चाहिए छुटिया. कुत्ते को पसंद है कुतिया, बच्चों को चाहिए छुटिया. जमशेद के लिए छोटी के नहीं मर पाता मुझे. अजीज भाई बोलना चाहिए था. भाई कुछ उल्टा सीधा तो नहीं दिखा रहा ना भाई. भाई वो तो मार दो भाई कैमरा पे. हेलो भाई, ये आवाज आ रही है ना? आ रही है भाई. भाई कुछ गलत मत करना भाई तुम कैमरा पे. भाई ये कुछ तो गलत करने वाला है भाई. ये भाई मैं तो डर रहा था यार, ये पता नहीं क्या कर देता हूँ. बोला अभी अभी निक्कर खोल लेगा. मैंने सुने कि तू स्कोप कास्ट पे यार हरियाणा की बेइज्जती मारे आड़े. सॉरी कोनी. नहीं मैं तो ऐसा नहीं बोला कभी. किसको देख लिया आपने? वो मैन ऑफ कल्चर है भाई, वो मैन ऑफ कल्चर है, स्कूप कास्ट नहीं है. देखो कि नहीं देख रहा, मैं तो ब्लो जॉब देने आया था बर्थडे के स्पेशल पे. चलो हम दोनों प्राइवेट वीसी में जा रहे हैं. वो थोड़ा हाइड करो स्क्रीन.